Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के पिछले एक साल के. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के साथ. तो जो हमारे फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हमारे फार्म बिल्स आए, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फार्म बिल्स आए और क्यों इतना ज़्यादा इस पर प्रोटेस्ट हो रहा है ना. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए हैं. अब ये आप अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो तीनों बिल का नाम है. पहला है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, सॉरी बिल आया था, अभी एक्ट बन गया है, एक्ट 2020. उसके बाद क्या है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइसेस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. तो ये तीनों ही एक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है. क्या 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 कौन कौन से एक्ट हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है. तो पहला क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट. ये किससे डील करता है, ये बेसिकली फार्मर्स जो अपना प्रोड्यूस हैं उसको वो कैसे बेच सकते हैं मार्केट में, उससे डील करता है. तो इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मतलब इससे पहले जब ये एक्ट आया था, इससे पहले क्या था. इससे पहले देखो क्या था कि मान लो फार्मर है ना, फार्मर जो है लेट से गेहूँ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. तो फार्मर ने गेहूँ प्रोड्यूस किया है ना, उसके बाद वो उसको कहाँ जाके बेचता था, वो जाके उसके ऊपर मैंडेशन था कि वो जाके APMC की मंडी में ही बेच सकता था, ठीक है. APMC की मंडी में बेचता था. तो APMC मंडी में ख़रीदने वाले कौन होते थे, ख़रीदने वाले होते थे मिडिल मैन. तो यहाँ पे ये जो मिडिल मैन है वो इनसे ख़रीदते थे और फिर ये जाके रिटेलर को बेच देते थे. तो रिटेलर जाके फिर क्या करता था, रिटेलर जाके बाहर कस्टमर्स को बेचता था. तो रिटेलर और या फिर होलसेलर, मान लो इसके बाद होलसेलर भी आ जाएगा है ना, होलसेलर. तो होलसेलर और ये फार्मर के बीच में जो लिंक था वो ये मिडिल मैन का था. और ये मिडिल मैन जो होते हैं ये गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देता है कि आप जाके APMC में इनका सामान खरीदोगे, है ना. और APMC में ये MSP वाला सिस्टम भी चलता है ना, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट एश्योर करता है APMC में कि जो भी चीज़ बिक रही है यहाँ पे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कम से कम बिकेगी, है ना. तो अभी प्रेजेंट सिस्टम ये है, ठीक है, क्योंकि मिडिल मैन जो है वो जाके APMC में, मतलब जो फार्मर्स हैं वो APMC में अपना प्रोड्यूस लेके जाते हैं, वहाँ पे ये मिडिल मैन को बेचते हैं और मिडिल मैन फिर आगे जाके होलसेलर या फिर रिटेलर को बेचता है, ठीक है. इस टाइप से सिस्टम चलता है. अभी क्या हुआ है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल में इसमें ये बोला गया है कि पहला तो जो फार्मर है वो अपना जो अपना प्रोड्यूस है वो कहीं भी बेच सकता है, चाहे वो दूसरे स्टेट में जाके भी बेच सकता है ना, और इंटर स्टेट भी हो सकता है, और विद इन स्टेट भी किसी भी कहीं भी जाके बेच सकता है, ठीक है. तो पहले क्या होता था कि APMC की मंडी में ही वो बेचेगा, ऑल्दो रेस्ट्रिक्शन फार्मर के पास पिछले बार में भी नहीं था, मतलब अभी जो इससे पहले वाला रूल था उसमें फार्मर जो है वो इंटर स्टेट बेच सकता था. ऐसा नहीं है कि किसी और स्टेट में जाके नहीं बेच सकता था, किसी और स्टेट की APMC मंडी में जाके नहीं बेच सकता था, पहले भी बेच सकता था. बट उसमें क्या होता था कि यार ट्रांसपोर्ट लगेगा, स्टोरेज का खर्चा आएगा, तो जनरली ये लोग नहीं करते थे, तो वो लोकल APMC की मंडी में ही बेचते थे, ठीक है. अभी ये बोला है उन्होंने कि भाई आप जो है वो कहीं भी बेच सकते हो, ठीक है, किसी भी प्राइवेट पार्टी को बेच सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो. तो एक बात याद रखना कि अभी इससे पहले क्या था कि फार्मर को APMC में बेचना कंपलसरी था, है ना, वो डायरेक्टली जाके रिटेलर और होलसेलर को नहीं बेच सकता था, ठीक है. बट अभी ये जो एक्ट है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये डायरेक्टली जो है वो डील कर सकते हैं. मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो जैसे मार्केट में बहुत टाइप के आटे आते हैं ना, फॉर्चून का आटा आता है ना, फॉर्चून का आटा आता है, आप देखते होगे आशीर्वाद का आटा आता है ना. तो ये लोग बेसिकली अपना ये आटा बनाते कैसे हैं, ये लोग जाके APMC में मिडिल मैन से बेसिकली APMC में मिडिल मैन से ये लोग ये जो मिडिल मैन होते हैं ये इनको बेचते हैं. मतलब ये जाके पहले APMC में जो फार्मर होता है, देखो फिर से बता रहा हूँ, जो फार्मर होता है वो पहले जाता है APMC में जाके ये किसको बेचता है, मिडिल मैन को बेचता है, ठीक है. मिडिल मैन जाके फिर ये फैक्ट्रीज़ को बेचते हैं, ठीक है, और फैक्ट्रीज़ फिर इनको प्रोसेस करती हैं और फिर अपना ब्रांडिंग करके एज आशीर्वाद आटा बेचती हैं, ठीक है. अभी ये प्रोसेस चलता है.
बट ये बिल ये एक्ट क्या बोल रहा है, ये एक्ट बोल रहा है कि ये जो फैक्ट्री है ना वो डायरेक्टली फार्मर से भी डील कर सकती है, ये जो मिडिल मैन वाला पार्ट है उसको ये स्किप कर सकती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, और बाकी इंटर स्टेट और इंटर स्टेट कहीं भी बेच सकते हैं, ठीक है। द एक्ट अलाउज इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस आउटसाइड द फिजिकल प्रमाइसिस ऑफ मार्केट यार्ड रन बाय द एपीएमसी। तो एपीएमसी के बाहर भी जाके बिक सकता है अब ये माल, पहले एपीएमसी में कंपलसरी था बेचना, अभी कंपलसरी नहीं है, अभी आप बाहर जाके भी बेच सकते हो। अदर मार्केट्स जो भी नोटिफाइड हैं स्टेट एपीएमसीज में, वहाँ पे भी बेच सकते हो, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स की भी एपीएमसी में बेच सकते हो और एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हो, ठीक है। ये अभी इस एक्ट ने कर दिया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसमें ये जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोड्यूस जाके उस वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं और वो उनको बेच सकते हैं, ठीक है। इट परमिट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ शेड्यूल फार्मर्स प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेगुलेटेड अंडर स्टेट एपीएमसी इन द स्पेसिफाइड ट्रेड एरिया। एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म मे बी सेटअप टू फैसिलिटेट द डायरेक्ट एंड ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सच प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड इंटरनेट। तो भाई जैसे ई नाम टाइप का सिस्टम है ना, वैसा ही है। ई नाम में क्या था कि एपीएमसी को कनेक्ट किया गया था, इसमें क्या होगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे एपीएमसी को तो नहीं बट फार्मर डायरेक्टली उस जाके पोर्टल पे रजिस्टर करेगा और वो डायरेक्टली यू नो सेल कर सकता है अपना प्रोड्यूस। तो वैसा भी सिस्टम अब ले आए हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी एंटिटीज़ जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश कर सकती हैं? कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, रजिस्टर्ड यू नो सोसाइटीज़ हैविंग पैन, और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितनी भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास पैन है वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं, या फिर FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो कर सकती है, या फिर कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिए कि हाँ भाई ये भी कर सकती है तो वो है, ठीक है। और क्या किया इसमें, मार्केट फी को अबॉलिश कर दिया गया है ना। तो जो भी पहले एपीएमसी में क्या होता था कि जब आप बेचते थे तो एपीएमसी में जो भी ट्रांजेक्शन होता था उस पर कुछ परसेंटेज और टैक्स लगता था, 3% या यू नो 4% ऐसा कुछ टैक्स लगता था। अभी ये इसको अबॉलिश कर दिया गया, ये मार्केट फी को अबॉलिश कर दिया गया, तो ये जो स्टेट के लिए रेवेन्यू आ रहा था वो अब चला गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो स्टेट्स भी इसको प्रोटेस्ट करेंगे, भाई हमारा जो रेवेन्यू है वो तो अब चला गया है ना, हम कैसे अब काम करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक कंसर्न है, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, क्या है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। अब ये क्या है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप की चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं आपको समझा देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है। देखो अभी क्या होता है कि मान लो फार्मर जो है वो अभी वीट को प्रोड्यूस करने वाला है ना, अभी उसने कुछ भी यू नो सीडिंग नहीं की है, कुछ नहीं किया है। एक कंपनी इस फार्मर के पास आती है, वो बोलती है हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, है ना, आपका जब भी ये प्रोड्यूस रेडी होगा तो हम आपको लेट से यू नो 2000 रुपये क्विंटल में खरीद लेंगे। हो सकता है MSP 1700 चल रहा हो, ठीक है। तो ये कंपनी आएगी, कंपनी डायरेक्टली फार्मर को बोलेगी हम आपको 2000 रुपये पर क्विंटल देंगे, आप सारा का सारा प्रोड्यूस जो है वो हमको बेच देना। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी क्या है इसमें कि अभी अब इसमें कुछ कुछ नए नए चीज़ें आई हैं जो भी यू नो चेंज किया गया है एग्रीमेंट में प्रोविजंस, वो हम देख लेते हैं। तो फार्मिंग एग्रीमेंट क्या है, एक एक्ट है जो प्रोवाइड करता है फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन अ फार्मर एंड अ बायर प्रायर टू द प्रोडक्शन। अभी उसने प्रोडक्शन किया नहीं है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि आप ये जब यू नो वो गेहूँ उगाओगे तो आप मेरे को इतने पर्टिकुलर प्राइस में बेचोगे, जैसे 2000 रुपये पर क्विंटल। इसमें क्या होता है, फार्मर के लिए बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि भाई उसको यू नो एक फिक्स प्राइस मिल जाएगा, कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन से उसका यू नो वेरी नहीं करेगा। कभी कभार क्या होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है तो मार्केट में प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, तो इन सब की चिंता फार्मर को नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो जाएगा पहले ही, है ना। बट इसमें यू नो ये कोई मिनिमम अमाउंट कोई डिफाइंड नहीं है इस एक्ट में कि भाई मिनिमम जो है कम से कम 1700 होना चाहिए या मिनिमम MSP होना ही चाहिए उस वो रेट, है ना, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि देखो मान लो अभी अभी तो क्या है कि अभी जब ये एक्ट लागू होगा तो क्या होगा, प्राइवेट मार्केट बढ़ जाएगा, प्राइवेट मंडीज आने लगेंगी, है ना। अभी APMC में कंपलसरी होता है बेचना, बाद में तो फार्मर को कंपलसरी नहीं होगा, तो प्राइवेट मार्केट बढ़ जाएंगी, और इनिशियली क्या होगा धीरे 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 APMC पूरा अबॉलिश ही हो जाएगा, है ना। अगर APMC अबॉलिश हो गया तो MSP तो इंश्योर होगा नहीं, क्योंकि MSP तो सिर्फ APMC में मिलता है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो फार्मर्स हैं ये विम्स एंड फैमसीज पे काम करेंगे, किसकी, इन प्राइवेट ओनर्स की। अब ये अब जैसे ही मान लो MSP गया, जैसे ही ये APMC मार्केट चला गया, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो बोलेगा भाई हम आपको 1600 रुपये ही देंगे, बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो मत बेचो। पहले शुरुआत में ये लोग देंगे उनको अच्छा अच्छा प्रॉफिट, है ना, बट बाद में ये लोग इसको कम कर देंगे ऐसे करके। तो फार्मर के लिए फार्मर्स का ये कंसर्न है कि भाई MSP जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि मिनिमम पीरियड जो है एग्रीमेंट का वो एक क्रॉप सीजन का होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वहाँ आप वो कम से कम एक क्रॉप सीजन के लिए होगा, है ना। मैक्सिमम पीरियड जो है वो 5 साल का होगा, ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल का। तो ये इसमें पहले में दिया गया एग्रीमेंट में।
प्राइसिंग जो है, द प्राइसिंग ऑफ द फार्म प्रोड्यूस शुड बी मेंशन इन द एग्रीमेंट. तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि 2000 रुपये पर क्विंटल मिलोगे कि 1900 रुपये पर क्विंटल मिलोगे, ये जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए. डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक बोर्ड बनेगा, है ना, कंसिलेशन बोर्ड बनेगा. द बोर्ड शुड हैव अ फेयर एंड बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट. ठीक है, उसके बाद दोनों ही मजिस्ट्रेट और जो अपलेट अथॉरिटी है, दे विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ अ डिस्प्यूट विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन. तो 30 डेज के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये मैटर को डिस्पोज करना पड़ेगा, जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. द मजिस्ट्रेट और द एपलेट अथॉरिटी में इम्पोज सर्टन पेनल्टीज ऑन द पार्टी कंटर्निंग द एग्रीमेंट. अगर कोई एग्रीमेंट अपना फॉलो नहीं करता है, मान लो कोई प्राइवेट पार्टी या कंपनी अपना नहीं ऑनर कर रही है एग्रीमेंट, तो उसको पेनल्टी आएगी. हाउएवर नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द फार्मर फॉर रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज. अगर कोई भी ड्यूज रिकवर करने हैं तो उसमें फार्मिंग लैंड इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कमोडिटीज एक्ट. तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बेसिकली किससे डील करता है, होर्डिंग से. होर्डिंग क्या होता है कि मान लो जैसे मैं एक मिडिल मैन हूँ, तो मैंने क्या किया, APMC में से खूब सारा स्टॉक लेके अपने पास स्टॉक कर दिया, मैं आगे बेच नहीं रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर दी किसी चीज़ की. तो जब स्कैरसिटी होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है. तो मेरे को पता है भाई अगर मैं खूब सारा सामान खरीद के रख लेता हूँ और मैं बेचता नहीं हूँ तो इसका प्राइस बाद में बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तब मैं बेचूंगा. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आया था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. तो पहले इसमें लिमिट थी, अभी लिमिट जो है उसको उसके ऊपर कुछ कुछ कंडीशंस लगा दी हैं. अब पहले देख लेते हैं क्या है, क्या बोलता है ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. इसमें कुछ कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ डिफाइंड है. सबसे पहले तो रेगुलेशन ऑफ फूड आइटम्स ही देखते हैं. द एक्ट प्रोवाइड फॉर सर्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे रेगुलेट द सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोज, अनियंस, एडिबल ऑयल्स, सीड्स और बाकी जो तेल होते हैं वो सारे, है ना, अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, जैसे वॉर हो गया, फैमीन हो गया, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गया या फिर नेचुरल कैलामिटी हो गया. इन सब के केस में, वॉर, फैमीन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, नेचुरल कैलामिटी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ कमोडिटीज़ का जो सप्लाई है उसको रेगुलेट कर सकती है, वो इसमें दिया गया. कुछ कुछ को एसेंशियल कमोडिटीज़ डिफाइन किया गया है, जैसे फूड आइटम्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, है ना. तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ये आपको सप्लाई करनी ही पड़ेंगी. और जो इसके ऊपर कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट या प्रोहिबिट द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स ऑफ सच एसेंशियल कमोडिटीज़. तो इन कमोडिटीज़ का सप्लाई और जो प्रोडक्शन, ट्रेड और ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, उसके बाद स्टॉक लिमिट की अगर हम बात करें तो पहले जो था स्टॉकिंग अलाउड नहीं था, कि आप स्टॉक नहीं कर सकते थे. अभी क्या हुआ है, अभी उस पर कुछ कुछ कंडीशंस लगा दिए हैं कि स्टॉक लिमिट मे बी इम्पोज. स्टॉक लिमिट आप कर सकते हो कब, व्हेन देयर इज़ अ 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और अ 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ अ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स. तो पहले जो था स्टॉक लिमिट नहीं था, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नहीं बोल सकती थी कि आप इतना 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 स्टॉकिंग नहीं कर सकते. अभी क्या है, उसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दिया है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो 100% इंक्रीज हो जाता है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड ही आप स्टॉक में रख सकते हो, है ना, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते. ठीक है, तो ये सब इसमें डिफाइन किया गया. द इंक्रीज इन द प्राइस विल बी कैलकुलेटेड ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली बिफोर द प्रीसीडिंग ओवर द 12 मंथ्स. और ये जो कंपेयर है ना 100% इंक्रीज कहाँ से हुआ है, तो पिछले एक साल के प्राइस को हम कंपेयर करेंगे इससे, है ना, फिर हम बताएंगे कि कितना राइस हुआ है पिछले 5 साल में. ठीक है, या फिर जो भी लोअर होगा, या तो पिछले एक साल का या फिर पिछले 5 साल का, इन दोनों में जो भी कम होगा उसको हम देखेंगे. ठीक है, अब इसमें इशू ये आया है कि भाई लोग जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये MSP जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. और MSP अगर एक बार ख़त्म हुआ तो प्राइवेट पार्टीज़ अपना काम चलाएंगी फिर, है ना. प्राइवेट पार्टीज़ बोलेंगी हम तो भाई आपको MSP से कम ही देंगे, तो ये फार्मर्स के लिए बेकार बात है. और स्टेट भी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट्स के लिए भी जो अगर APMC अबॉलिश होती है, है ना, APMC अभी नहीं होगी, तुरंत नहीं होगी, है ना, बट अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइवेट पार्टीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाती हैं और APMCs में कोई सामान बिक नहीं रहा है, तो धीरे धीरे APMCs भी डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि भाई क्यों गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा करेगी APMC को चलाने के लिए, है ना. तो APMC एक बार गई तो MSP गया, MSP गया तो यहाँ पर, और अच्छा यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होता है APMC का, वहाँ पर टैक्स लगता है, वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास. तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा फिर अगर APMC चली गई तो इसीलिए स्टेट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमको तो टैक्स चाहिए, हम कैसे करें इस चीज़ को, है ना. अब और क्या क्या चीज़, अब अच्छा ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ में MSP मिलता है. तो ऐसी 23 कमोडिटीज़ हैं, 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 7 रबी हैं और 2 कैलेंडर सीजन क्रॉप्स हैं जिसमें MSP मिलता है. और इसके अलावा FRP किसके लिए मिलता है, शुगर केन के लिए. ठीक है, और बाकी MSP तोरिया, डीहस, कोकोनट के लिए इट इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द MSP ऑफ रेप सीड, मस्टर्ड सीड एंड कोपरा. ठीक है, और इसको रिकमेंड कौन करता है, CACP, है ना, ये प्राइसेस को रिकमेंड कौन करता है, CACP. तो क्रॉप्स देख लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं.
खरीफ में पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, नाइजर सीड, कॉटन, ग्राउंड नट, ये सारी खरीफ क्रॉप्स MSP के अंडर है। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से हैं? वीट, बारले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड सीड, रेप सीड, सनफ्लावर, ये सब किसके अंदर है? ये सब रबी क्रॉप्स के अंदर है। और बाकी जो दूसरी हैं उसमें जूट या फिर कोपरा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ई नाम को डिस्कस करते हैं। ई नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। तो ई नाम इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स एग्जिस्टिंग मंडीज रन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है, APMC को कनेक्ट करता है। जितनी भी अक्रॉस इंडिया APMCs हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, जिसको ई नाम पोर्टल बोलते हैं लोग। तो वहाँ पे जो भी APMCs में ट्रेडिंग हो रही है वो अब पूरे पैन इंडिया ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है? SFAC। SFAC इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। SFAC किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है। ठीक है, रिसेंटली सेंटर इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स इनटू द ई नाम। क्या क्या आया? एक ट्रेडिंग मॉड्यूल आ गया है, एक वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल भी आ गया, वेयर हाउस से डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो। लॉजिस्टिक मॉड्यूल आ गया है ताकि आप ट्रैक कर सको, जो आपका मान लो आप इंटरस्टेट भेज रहे हो, है ना, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा कंसेप्ट न्यूज़ में था ई किसान मंडीज। ई किसान मंडीज क्या है? सिमिलर टू ई नाम है, बट इसमें क्या है, जैसे ई नाम में APMC वाली डीलिंग होती है, इसमें क्या है, किसान डायरेक्टली भी डील कर सकता है। और पहली ई किसान मंडी लॉन्च हुई है कहाँ पे? पुणे में। किसका इनिशिएटिव है? नाफेड का। ठीक है, नाफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है नाफेड। नाफेड का इनिशिएटिव है, पहली ई किसान मंडी का लॉन्च हुए पुणे में लॉन्च हुई है। ई नाम में क्या होता है कि भाई APMC को कनेक्ट करते हैं, इसमें हम क्या फार्मर्स के प्रोड्यूस को डायरेक्टली हम ट्रेडर्स बायर्स और से कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे फार्मर आएगा, ट्रेडर आएगा, स्मॉल बायर आएगा, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल में काम करेगा। ठीक है, इन विच नाफेड ओन्ड लैंड विल ऑपरेट एज अ हब फॉर फार्मर प्रोड्यूसर कॉपरेशन इन द एरिया। ठीक है, तो नाफेड का जमीन रहेगा उसमें, बस और कुछ नहीं। अब SFAC की बात करते हैं, तो SFAC का एक स्कीम है जिसमें 10,000 FPOs बनाने की बात की गई है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, तो रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर्ड SFAC टू हेल्प इन, ये तो ठीक है, 10,000 वाली स्कीम में। तो ये किस स्कीम के अंडर है? फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs। इसमें फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs वाली जो स्कीम है उसमें 10,000 FPOs बनाने की बात की गई है। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे बनाया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा, दे विल बी फॉर्म्ड एंड प्रमोटेड थ्रू क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस engaged at the state cluster level by implementing agencies. Priority will be given to the formation of FPOs in the aspirational district. जो हमने 112-116 aspirational district की बात करी थी उसमें पहले ये आएगा, और हर एक aspirational district में एटलीस्ट 1 FPO तो होगा। SFAC फिर से implementing agency है इसकी, है ना, apart from the NABARD। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।